चलो चलो चढ़ के जाना, चढ़ के आओ, चढ़ के आओ, चढ़ के आओ, हाँ चढ़ के आओ, चला के जाओ, चला के, हाँ ठीक है, हाँ जाओ चढ़ के आओ चलाते हुए। साइकिल लेके आना रोज स्कूल, स्टैंड उठाओ, हेलो ये वेकअप इंडिया जो संस्था है, आपको जो ये साइकिल वितरण करी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, और अभी आप लोग पहले स्कूल किस तरह से जाते थे? साधन क्या था? साइकिल से। हाँ। अच्छा, और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम शेख है जी। जी मैं माटी गांव का पैतृक निवासी हूँ जी। जी मैं 2080 के बाद यहाँ से प्रदेश को रवाना हुआ जी। उसके बाद 1986 में नौसेना में भर्ती हुआ और 2001 मई में मैं नौसेना से निवृत्त हुआ। उसके बाद से हमारे मन में एक जागरूकता आई कि क्यों ना हम कुछ अपने पैतृक स्थान या और भी लोगों के लिए कुछ ऐसी संस्था का व्यवस्थापित करें कि लोगों को हमारे से हेल्प मिल सके, मदद मिल सके जी। तो हमारे परिवार में इसका डिस्कस करने के बाद हमने वेकअप इंडिया एजुकेशन का गठन किया जो 2010 और में महाराष्ट्र नवी मुंबई में ये रजिस्टर्ड है जी। उसके बाद से लगातार हम गरीब लोगों के लिए कुछ न कुछ हमारे प्रोग्राम इवेंट चलते रहते हैं हमारे वेकअप इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। अब तक हम काफ़ी लोगों की मदद कर चुके हैं, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमने सब लोग को डर था अपने, लेकिन हमने गरीब लोगों को अपने आप को न समझकर उनकी हेल्प की है और आज तक हम हेल्प करते आए हैं और फ्यूचर में इसी तरह हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सर एक चीज़ ये बताइए कि अभी आपका कुछ दिन पहले जो है माघी ग्राम सभा तहसील कुंडा जनपद प्रतापगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, उसमें हर जात धर्म के लड़कियों को आपने करीब 70 साइकिल वितरित किया था। आपके इस ट्रस्ट जो आप वेकअप इंडिया के नाम का एक ट्रस्ट बनाए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जी हाँ, हमने 70 लड़कियों का और कोई जात पात का बिना भेदभाव का हमने वो किया है और जिसमें कुछ हमारे सम्मानित मानगण भी आए थे और हमारा उद्देश्य है कि आगे हमारी संस्था की टीम की तरफ से आगे आने वाले वृद्धा आश्रम का भी है और मेडिकल का है, हॉस्पिटल के लिए है, स्कूल के लिए, ये सब हमारे संस्था की तरफ से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। इलाके में और कोई योजना संचालित करने का मन है क्या? जी हाँ, साल में हम एक बार कुछ न कुछ हम प्रोग्राम इसी तरह करते रहेंगे आने वाले समय में। अच्छा, और जगह यूपी से हट कर तब जैसे आप बॉम्बे में रहते हैं तो वहाँ भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं क्या? जी वहाँ पे हमारे लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे आने वाले समय में। अच्छा, ग्रामीण इलाके में और आपको क्या देखने को मिला जिससे कि आप जो लोग काफ़ी मेडिकल से वंचित हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बीमारियाँ बड़ी हैं तो उस बीमारियों से ग्रसित हैं, उसका इलाज नहीं करा पा रहे, तो उस हिसाब से हमारी टीम उस चीज़ों को कुछ कुछ गाँव में जाकर उसका जो है जायजा लेगी और जो मुनासिब होगा उनके लिए हम करेंगे। सर वेकअप करने की ट्रस्ट भारतवर्ष के संपूर्ण भारतवर्ष के कितने राज्यों में काम कर रहा है? नहीं, इस समय अभी महाराष्ट्र में ही हम कर रहे हैं जी। पहला प्रोग्राम है जो हमने पैतृक स्थान पे शुरू किया है उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में और भी जिलों में हम करेंगे। ट्रस्ट में सरकार भी आपकी कुछ सहायता कर रही है? सरकार की तरफ से कोई नहीं है, हमारे से जो भी कुछ दोस्त हैं और कुछ भी सहपाठी लोग हैं ऐसे लोग भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद सर।